इस समय मैं कोलकाता में हूँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और मेरे पीछे आपको शायद सड़क दिखाई दे रही होगी, चहल पहल दिखाई दे रही होगी। कहने को तो आपको जब आप अपने अपने घर से ये तस्वीर देख रहे होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये ट्रैफिक देखकर आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ममता बनर्जी जीतने वाली हैं या बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, कुछ समय बिताएंगे, लोगों से मिलेंगे और पूरे इस माहौल को, यहाँ की हवा को महसूस करेंगे, इसे सूंघेंगे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, कोलकाता का मूड क्या है, परिवर्तन का मूड है या नहीं है। और यही सब समझने के लिए आज मैं स्टूडियो से बाहर निकलकर यहाँ पर कोलकाता में आया हूँ। एक बड़ा मकसद यहाँ आने का था कि आज हमें देश के गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू करना था। अमित शाह पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज वो कोलकाता में थे। उन्होंने हमें कोलकाता का टाइम दिया, कहा कि आप कोलकाता आइए और यहाँ हम बातचीत करते हैं। तो अमित शाह से, जो कि इस पूरे चुनाव के आप आर्किटेक्ट समझ लीजिए उनको, चाणक्य कह लीजिए, देश के गृह मंत्री तो वो हैं ही, लेकिन बीजेपी की पूरी कमान इस समय पश्चिम बंगाल में उन्होंने संभाली हुई है। तो आज हमने उनसे मुलाकात की, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, वो सारे सवाल जो शायद आपके मन में भी आते होंगे अगर आप अमित शाह के सामने बैठे हैं, तो शायद आप भी वो सारे सवाल पूछना चाहेंगे। और सवाल ये है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को हटाने के लिए इसे अपनी नाक का सवाल क्यों बना लिया है, इसे अपनी इज्जत का सवाल क्यों बना लिया है। और सवाल ये भी है कि जिस परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है वो ममता बनर्जी के परिवर्तन से कितना अलग है, दोनों परिवर्तनों में क्या फ़र्क है। और सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ भी जाती है तो फिर वो ममता बनर्जी की सरकार से अलग सरकार कैसे बनाएंगे और आते ही सबसे पहले क्या करेंगे। ये सारी बातें आज हमने उनसे पूछी हैं, तो आज आप वो इंटरव्यू देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो इंटरव्यू अच्छा लगेगा, आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति की जो आपकी समझ है वो थोड़ी और बढ़ेगी उस इंटरव्यू के बाद। इसके बाद हमने ये तय किया कि आज का पूरा DNA हम आपको पश्चिम बंगाल से ही दिखाएंगे, जिसमें हमारी और भी बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी जो पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगियों ने फाइल की हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे कई दिनों से लगातार पश्चिम बंगाल में हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं, और उन्होंने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार की हैं जो आज उनके साथ मिलकर हम आपको दिखाएंगे। हम आपको जलपाईगुड़ी लेकर चलेंगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ के मज़दूरों का, गरीब मज़दूर जो चाय के बागानों में काम करते हैं अब धीरे धीरे बेरोज़गार हो रहे हैं क्योंकि चाय के बागान ही अब बंद होते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें, सारी रिपोर्ट्स आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये इंटरव्यू देखिए, अमित शाह का इंटरव्यू, जिसमें मैं और मेरे सहयोगी जो हमारे बंगाली न्यूज़ चैनल Z24 घंटा के संपादक हैं, उनका नाम है अंजन बांदोपाध्याय, वो और मैं, हम दोनों ने मिलकर आज अमित शाह का इंटरव्यू किया है। सबसे पहले आप ये देखिए और फिर हम आपको पश्चिम बंगाल की यात्रा पर लेकर चलेंगे। बंगाल चुनाव आ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं 200 सीट आपको मिलेगा, 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, ये इसका क्या आधार क्या है, किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? देखिए, इसके दो आधार हैं। एक, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को 2017 से 2020 तक बहुत मजबूत कर लिया है, हर गांव में, हर बूथ में, हर तहसील पर, हर जिले पर और प्रदेश स्तर पर सभी प्रकार के हमारे प्रकोष्ठ और मोर्चे हैं, इसकी संपूर्ण रचना हो चुकी है और इसके माध्यम से हमने हमारा तारतम्य बंगाल की जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें हम सफल रहे, एक। और दूसरा, दूसरे मुद्दे के दो हिस्से हैं। एक तो 6.5 साल तक जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है और देश में हर क्षेत्र के अंदर इस सरकार ने परिवर्तन को लाया है, हर क्षेत्र में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, विजिबल है, और इसी के कारण जनता में एक आशा बंधी है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन ला सकती है। और दूसरी ओर 10 साल का यहां पर तृणमूल कांग्रेस का जो कुशासन रहा और कुशासन से ज्यादा जिस आशाओं और अपेक्षा के साथ कम्युनिस्ट शासन को हटाकर
मां माटी मानुष के नारे के आधार पर ममता जी यहां पर मुख्यमंत्री बनी थी, वो सारी आशाओं को सारे सपनों को आज चकनाचूर होते हुए बंगाल की जनता देख रही है। एक और मोदी जी के सरकार के कामों के कारण हम परिवर्तन कर सकते हैं वो आशा बंदी है, और ममता जी परिवर्तन करने में विफल रही है। मुझे लगता है इसके कारण बंगाल के अंदर 2019 के चुनाव से ही बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हुई है। और मैं बहुत कंजर्वेटिव तरीके से आपको 200 का फिगर कहता हूं, हम बहुत आगे जाएंगे। ममता जी ने कल की रैली में उन्होंने कहा कि आप भतीजे को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भतीजे के खिलाफ कुछ सबूत नहीं दे पा रहे हैं। सबूत, उन्होंने कहा अब तो सबूत तो दो, भतीजे के नाम हमेशा क्यों लेते हो? चलिए, सबूत मुझे नहीं देना है, एजेंसियों ने देना है, मगर मैं इतना ही कहता हूं, अगर दे देते हैं तो ममता जी विक्टिमाइज कर रहे हैं, या तो बदले की कार्यवाही, राजनीतिक कार्यवाही करे, ऐसा न कहे बस। रमेश जी, आपको ऐसा लगता है कि परिवर्तन मान लीजिए अगर नहीं हुआ बंगाल में, कोई सवाल ही नहीं है सुधीर जी, आप मानकर चलिए निश्चित परिवर्तन होने वाला है। और अगर यहां परिवर्तन हुआ तो आपको ऐसा लगता है कि देश के मूड में भी परिवर्तन होगा? देश के मूड में परिवर्तन है ही, पूरा देश मोदी जी के साथ है। ये परिवर्तन जो मूड है देश का, उसका परिचय देश को बंगाल के चुनाव परिणाम करें। मेरा भाव ये था कि इस परिवर्तन से एक्चुअली आपकी ये इज्जत की लड़ाई बन गई है, नाक की लड़ाई बन गई है। ये नाक की लड़ाई नहीं है, बंगाल के अंदर स्थिति को बदलने की लड़ाई है। आपने कांग्रेस और राहुल गांधी पर इतना ज्यादा समय लगा दिया कि उसकी वजह से ममता बनर्जी और बाकी के जो क्षेत्रीय नेता हैं और दल हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। ममता बनर्जी इतनी मजबूत हो गई कि वो सीधे आपको टारगेट करती हैं, सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करती हैं। राजनीति में स्वाभाविक रूप से जो ओपोनेंट होंगे, इसके खिलाफ कोई भी दल बात कर सकता है, कोई भी राजनेता बात कर सकता है, बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन आपके 130 वर्कर्स की हत्या करने की हिम्मत और किसी की नहीं हुई किसी और राज्य में? देखिए, अगर आप इसको अचीवमेंट मानते हैं तो ठीक ही है, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा कर अपने आप को जो लोग सुरक्षित मानते हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस सारी घटनाओं की तह तक हम जाएंगे, जांच करेंगे, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है वो सारों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। ये आप कह चुके हैं, लेकिन इससे आगे का मेरा सवाल ये है कि क्या उस जांच के दायरे में ममता बनर्जी स्वयं भी होंगी? मैंने कहा ना, जो जो रिस्पॉन्सिबल है वो सभी होंगे। पर ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, नाम तो जांच होगी तब लिए जाएंगे, जांच के बगैर मैं नहीं कह सकता। मैं इस किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करने से, आपने 2013 में इस पहले आपने कहा था कि इन्होंने शारदा, मां शारदा को भी भ्रष्टाचार में जुड़ा दिए हैं, शारदा कलंक करके, शारदा इनारदा, इतने रोज वैली, इतने सारे जो स्कैम है अभी तक चल रहा है, बहुत दिन हो गया है, ये इसका कोई नतीजा कुछ निकला, कुछ निकल आ रहा है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जो भी आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप है, उसको कोई, काफी सारी चार्जशीट की है, काफी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है, और निश्चित रूप से लॉजिकल एंड तक जांच पहुंचेगी। इस चुनाव में जय श्रीराम धनी को लेकर स्लोगन, एक जनता ने एक जय श्रीराम को स्लोगन बना लिए, इसमें एक आक्रोश भी दिखता है, आपको लगता है कि ये तुष्टीकरण के खिलाफ कोई आक्रोश? निश्चित रूप से जय श्री राम बंगाल में कोई धार्मिक नारा नहीं है, जय श्री राम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ आक्रोश है। नारों का स्वरूप बदलता है, एक नारा वंदे मातरम जो एक जमाने में अंग्रेजों की खिलाफत के लिए था, आज वंदे मातरम देशभक्ति को प्रदर्शित कर युवाओं को भारत को मजबूत करने के यात्रा में जोड़ने के लिए है। नारों का स्वरूप बदलता है, अयोध्या के वक्त जय श्री राम का नारा जो था और यहां पर जो जय श्री राम का नारा था, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां जय श्री राम का नारा बंगाल के अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को चरम सीमा पर ममता जी ने पहुंचाया, आपको दुर्गा पूजा करने के लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़े, सरस्वती पूजा की कार्यक्रम करने वाले रखने वाले शिक्षक की हत्या हो जाए और एक भी अरेस्ट ना हो, किस प्रकार का बंगाल इन्होंने बनाया है।
इसके खिलाफ बंगाली जनता का आक्रोश है। और अगर ममता जी ये समझती है कि जय श्री राम का नारा हम लगा रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं है नारा कभी नेता नहीं लगा सकते हैं, नारा जनता लगाती है। वो जहां जहां जाएगी जय श्री राम सुनना पड़ेगा उनको। और मैं तो मानता हूं कि उनको उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी अमित जी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में आते हैं तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में आ गए हैं। यहाँ ना भारत का संविधान चलता है, ना यहाँ भारत के कानून है, ना CBI आ सकती है, ना ED आ सकती है। आप जब यहाँ पर आते हैं, आपको भी क्या ऐसा ही महसूस होता है कि आप एक और किसी दूसरे देश में या ऐसे प्रदेश में आ गए? मैं पाकिस्तान जैसा शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो, परंतु मैं इतना जरूर कहता मानता हूं कि लॉलेसनेस है यहाँ पर। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधीर जी ठीक नहीं है, और पूरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया गया है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अगर मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, अब तो बहुत सारे लोग इस समय पूरे देश के और पश्चिम बंगाल के भी सुन रहे होंगे, अगर आपकी सरकार बन गई तो आपका रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे? ढेर सारे मोर्चों पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ढेर सारे मोर्चों पर। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी कानून और व्यवस्था को सुधारना होगी, जैसे हमने यूपी में किया है। यूपी में भी एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीटली पॉलिटाइजेशन हुआ था, इसको हमने सुधारा है। आज एडमिनिस्ट्रेशन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पर एक प्रकार का कंट्रोल आया है। घुसपैठ को भी हम कंट्रोल में रहेंगे, और विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे समुदाय ऐसे हैं जो विकास से वंचित रह गए, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का भी हम काम करेंगे। आप सुनार बांग्ला बोलते हैं, सुनार बांग्ला लाएंगे, सुनार बांग्ला का मतलब क्या है? ये इंडस्ट्री में या एजुकेशन में इतना सीमित मतलब नहीं है सुनार बांग्ला का। सुनार बांग्ला का मतलब है हर बंगाली नागरिक अपनी अभिव्यक्ति भय के बगैर कर पाए, इस प्रकार के वातावरण की निर्मिति करना। सुनार बांग्ला का मतलब है देश की, राज्य की सीमाओं की और देश की सीमाओं को सुरक्षित करना। सुनार बांग्ला का मतलब है हर गरीब को दो समय भरपेट भोजन मिल पाए, इसकी व्यवस्था करना। सुनार बांग्ला का मतलब है हर युवा को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ना। सुनार बांग्ला का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो चरमरा गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पटरी पर लगाना। जिस बंगाल का देश में सबसे ज्यादा GDP कंट्रीब्यूशन होता था, बंगाल को फिर से उस जगह पे पहुंचाना। सुनार बांग्ला का मतलब है बंगाल की अस्मिता को जागृत करना। सुनार बांग्ला का मतलब है यहाँ पर संस्कृति और कला जो बम धमाकों की आवाज में दब गई है, उसको फिर से बंगाल को सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर, कला के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाना। यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के सांस्कृतिक के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म मिले, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिले, इस प्रकार की रचना करना। सुनार बांग्ला सिर्फ आर्थिक विकास का परिचायक नहीं है। पर यह सब करने के लिए आपके पास अमित जी टीम है क्या, कोई कप्तान है? ऐसा है, जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो हम इस पर भी सोच रहे हैं, मेरी पार्टी की पूरी टीम इस पर लगी है। बड़े बड़े लोग जो सरकार अच्छे से चला रहे हैं वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सरकार अच्छे से चला सकते हैं, ऐसे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। जब हमारी सूची आएगी तब देखिएगा, आपको बिना कहे ही मंत्रिमंडल दिखाई पड़ जाएगा। पर मुख्यमंत्री के बारे में आपने सोचा? मुख्यमंत्री के बारे में अभी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं किया। आपने कहा भूमिपुत्र होंगे, ये तय हो गया भूमिपुत्र होंगे, लेकिन आप किसी का नाम नहीं बोल रहे, तो जनता ये सोच रहे हैं। तब ये लड़ाई जो हो रहा है ममता बनर्जी एक तरफ है, मोदी जी और आप, ये दोनों का लड़ाई, ये तृणमूल कांग्रेस का अपप्रचार है जिससे आप जैसे एडिटर भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताओ भला, जहां बंगाल में मेरा वोट ही नहीं है, मैं कहां से मुख्यमंत्री बन सकता हूं? नहीं, अब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर लड़ाई हमारे बीच में कैसे होगी? किसी बंगाली और इनके बीच में ही होगी, मुख्यमंत्री तो बंगाली ही बनेगा। क्या मतलब है लोकल का? क्या ऐसे बंगाल की रचना ममता दीदी करना चाहती है जहां देश से कोई आ ही ना पाए? तो फिर सुभाष बाबू कैसे अखिल भारतीय अध्यक्ष बनते कांग्रेस पार्टी के? जनगण मन और वंदे मातरम को पूरा देश क्यों स्वीकार करता? देश की कोई कल्पना है या नहीं है?
बाहरी बाहरी बाहरी, मैं 25 बार कह चुका हूं, यहां का मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल में पड़ा हुआ, यहां का भूमिपुत्र ही बनेगा। और ममता दी अगर चाहती है कि इसमें से बहुत बड़ा भेद खड़ा कर देगी तो वो बंगालियों को जानती नहीं। चलिए अच्छा है, तो आज आपने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री कैसा होगा और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे होंगे। आपको ऐसा भी लगता है अमित जी कि ये जो चुनाव है ये प्रचार का नहीं है, ये दुष्प्रचार का चुनाव बन गया है? ना, ऐसा नहीं है, ये चुनाव लोगों की आकांक्षा का चुनाव है, ये चुनाव लोगों के आक्रोश का चुनाव है, और ये चुनाव लोगों के मन में जो परिवर्तन की इच्छा पड़ी है इसका चुनाव है। ना ये प्रचार का है ना दुष्प्रचार का है, आप परिणाम देख लीजिएगा। प्रचार और दुष्प्रचार से कुछ नहीं होता, सब जनता मन में जो तय कर कर बैठी है वो अभी इसकी अभिव्यक्ति मत के अंदर होगी। और सरकार तृणमूल कांग्रेस की ऑलरेडी जा चुकी है, सरकारें जनता के हृदय में जीती है, सरकारें जनता के मन में जीती है। ये अभी जो सरकार बंगाल में है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आयुष्य पूरा कर रही है, संवैधानिक आयुष्य पूरा कर रही है, क्योंकि 5 साल का एक संविधान ने मौका दिया होता है। बाकी जनमानस के अंदर जो बात करें तो सरकार चली जा चुकी है, कब की चली जा चुकी है। आपने तो बहुत चुनाव लड़े हैं पूरे देश भर में, ऐसा जो टॉक्सिक जहरीला माहौल है वो और कहीं इससे पहले देखने को नहीं मिला? आप अलग किसी भी राज्य की तुलना आप कर लीजिए, या तो आपको यहां मिलेगा या फिर आपको केरल में मिलेगा। देखिए, यहां लंबे समय तक कम्युनिस्टों की शासन रहा, इसके कारण बंगाल की राजनीति में एक हिंसा की संस्कृति आई है जो बंगाल की संस्कृति हो नहीं सकती। मगर मुझे भरोसा है कि इस बार जो परिवर्तन होगा इसके बाद हिंसा की राजनीति में हिंसा की जो संस्कृति, राजनीतिक हिंसा की संस्कृति है, इनका हम पूर्ण तरीके से उन्मूलन कर पाएंगे। इस चुनाव में हिंसा की कोई आशंका है? मुझे लगता है जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव इतनी बड़ी मात्रा में होगा, इतनी बड़ी मात्रा में जनाक्रोश है, इतनी बड़ी मात्रा में परिवर्तन की आकांक्षा है कि गुंडे भी डरेंगे हिंसा करते हुए। लेकिन गुंडे आ चुके हैं चुनाव प्रचार में? नहीं, वो तो है ही, विद्यमान ही है, लाने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट चुनाव के, पंचायत चुनाव के चुनाव को उठाकर देख लीजिए, लोग अपना वोट नहीं डाल सकते, हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप पर पर्चा डालने की परमिशन देनी पड़ती है। क्या जवाब है ममता दीदी के साथ? देश भर में कहीं देखा है आपने कि व्हाट्सएप पर नॉमिनेशन होगा? नॉमिनेशन सेंटर पर कोई पर्चा डालने के लिए नहीं जा पाएगा? क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब नहीं है। और वो क्या मानती है कि बंगाल की जनता ये सब नहीं समझती? ममता दी विकल्प नहीं था, अब भारतीय जनता पार्टी विकल्प बन चुकी है। हमने ये भी देखा कि आपके जितने जो नेता बाहर से आ रहे हैं यहां, या यहां के भी जो बीजेपी के नेता हैं, उन सब की सुरक्षा आपको बढ़ानी पड़ी। तो इतनी सुरक्षा के बीच में चुनाव प्रचार या चुनाव लड़ना, ये आपकी ताकत को लिमिट नहीं करता? ये शुरुआत है, जैसे ही जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा सुरक्षा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को लेनी पड़ेगी, मेरी बात याद रखना। आपने जो वामदल हैं और उनके जो बुद्धिजीवी हैं उनका जो टेस्ट है वो आपने दिल्ली में देख लिया, किसान आंदोलन में किस तरीके की जो मशीनरी है वो काम करती है। आपका क्या ऐसा मानना है कि किसान आंदोलन का असर यहां भी पड़ेगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, मेरा मानना है कि भारत में वामपंथी आंदोलन समाप्त हो चुका है, अब जो बचे कुचे लोग हैं वो देश के परिवर्तन की राह को मोड़ नहीं सकते। अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं मगर देश में जो परिवर्तन आ रहा है इसका रास्ता नहीं बदल सकते। लेकिन जो आंदोलन हुआ कृषि कानूनों को लेकर, उसका आपको लगता है यहां भी ये कोई फैक्टर हो सकता है पश्चिम बंगाल में? देखिए भाई, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, जनता जिस बात को सच्चा मानेगी वो मतपेटी के अंदर इसकी अभिव्यक्ति करेगी। हमने अपना पक्ष रखना चाहिए, उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहिए, मगर यहां के किसान को 6,000 रुपया चाहिए जो मोदी जी भेज रहे हैं और ममता दी उसको मिलने नहीं दे रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी सरकार से कि बंगाल के गरीब किसान का क्या दोष है कि इसको ये 6,000 रुपया नहीं मिल रहा है? मगर मोदी जी ने आश्वस्त किया, चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पुराना भी देंगे और नया भी देंगे, उनका जाएगा नहीं, इनके बैंक अकाउंट के अंदर
कट मनी के बगैर सीधा ट्रांसफर कर देंगे। आपने ये भी कहा कि अगर आपकी सरकार आई तो CAA आप बहुत जल्दी लागू कर देंगे। CAA का सरकार से कोई लेन देन नहीं, CAA देश का कानून है, लेकिन देश का कानून है, पूरे देश भर में लागू होगा। पर ममता जी तो कह चुकी हैं कि वो यहां लागू होने नहीं देंगी उसको। वो तो काफी सारी बातें ऐसे कहती हैं। ये भी सही, मतवा संप्रदाय की जो दिल आजादी के बाद किसी ने पार्टी ने छुई पहली दफा अस्मिता के आधार पर, तो आपने छुआ, ये सही। लेकिन CAA पर भी उनका एक आकांक्षा है कि ये जल्दी लागू हो जाए, जल्दी लागू हो जाए। लेकिन वो इस बार भी आप जो आए थे वो सोचा था कि इस बार कुछ बोलेंगे आप। आपने कहा कि टीकाकरण के बाद ये होगा, टीकाकरण के का साथ कैसे ये जुड़ा हुआ है ये सवाल उन्होंने कुछ लोग उठाया। आप बता दीजिए कि कैसे आपने सोचा टीकाकरण। देखो भाई, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आप जो सवाल पूछ रहे हो वो तृणमूल कांग्रेस का सवाल है। अच्छा ही हुआ आपने पूछ लिया, तो मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा। आप ये समझ लीजिए कि 70 साल से इनको वादा किया गया था, आजादी के वक्त जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने किया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से, उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान से और पश्चिमी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग शरणार्थी के रूप में आते हैं, जो हिंदू सिख बौद्ध जैन हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। ये वादा कांग्रेस का किया हुआ वादा था, मगर आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। हमने 2018 में बंगाल की जनता को और देश भर में बैठे हुए शरणार्थियों को ये वादा किया कि इसको हम पूरा करेंगे, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। और 2019 में हम एक्ट लेकर आ गए एक ही साल में। तो 70 साल का वादा, 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, किसों ने पूरा नहीं किया, हमने एक साल के अंदर पूरा किया है। जहां तक प्रक्रिया पूरी करने का सवाल है, उनको अब कोई निकाल नहीं सकता। पहले ये समझ लीजिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यवस्था की है कि 2018 में कि जितने भी शरणार्थी हैं उसको लॉन्ग टर्म वीजा देकर यहां रहने की व्यवस्था करी है, उनको निकाल नहीं सकता कोई। अब जहां तक उनको मताधिकार देने का सवाल है, नागरिक बनाने का सवाल है, ये भी हम जल्द ही करेंगे। और मतवा समाज बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जिन्होंने कुछ नहीं करा और आज भी कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, उनको ये सवाल उठाने का अधिकार नहीं। ममता दीदी तो आज भी कह रही है कि हम नहीं देंगे नागरिकता, आप तो आज भी कह रही है, तो भला क्या मतवा समाज ममता दीदी का भरोसा करेगा और क्यों करेगा? वो तो कह ही रही है कि हम तो नहीं देने देंगे आपको, क्योंकि आपको देने से हमारे दूसरे वोट बिगड़ जाते हैं। CAA हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। CAA देश ने एक जो वादा किया था वो करोड़ों लोगों के साथ 70 साल तक जो अन्याय हुआ है वो अन्याय के परिमार्जन का मुद्दा है। बंगाल की जो संस्कृति है, कल्चर, उसके साथ इस बार चुनाव कैसे जुड़ गया? बहुत बड़े आपके प्रचार में, उनके प्रचार में सभी लोग संस्कृति को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। संस्कृति इस बार चुनावी मुद्दा बन गया है, आपको लग रहा है? इसीलिए चुनावी मुद्दा बना है कि संस्कृति का हास हुआ है। बम धमाके आजादी के बाद होना बंगाल की संस्कृति नहीं है, ये चुनावी हिंसा बंगाल की संस्कृति नहीं थी। कंजर्वेटिव माइंडसेट से राजनीति चलाना ये बंगाल की संस्कृति नहीं थी, परिवारवाद चलाना बंगाल की संस्कृति नहीं थी। संस्कृति का हास हुआ है, इसीलिए बंगाल की संस्कृति चुनावी मुद्दा बनी है और बनना भी चाहिए। अमित जी, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को, नेताओं को लिया अभी बीजेपी में जो कि ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, तो उन्होंने उनके स्टाइल को अच्छी तरह से जाना है। तो क्या आप अब ममता बनर्जी के पूरी स्ट्रेटेजी को डीकोड कर चुके हैं? आपको तो वैसे भी चाणक्य कहा जाता है, कि आप डीकोड करते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या है? सुधीर भाई, आप मेरी बात मानकर चलिएगा, कुछ डीकोड करने जैसा नहीं है। बंगाल की जनता ने सारा डीकोड कर चुकी है। आप अभी भी मानकर चलिएगा, ये सरकार बंगाल की जनता के जनमानस से निकल चुकी है, एक संवैधानिक प्रक्रिया बाकी है। तो दूसरा उसी को मैं घुमाकर पूछता हूं, इज ममता बनर्जी ओवर हाइप्ड इन नेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो? ममता बनर्जी का जो रुतबा दिल्ली में भी आपको देखने को मिलता है, कुछ भी कह देती है तो राष्ट्रीय मीडिया में भी छपता है, तो आज आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ओवर हाइप्ड है? ना, मैं ये नहीं कहता। वो दो बार इस राज्य की, इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी, बड़ी नेत्री है, इसमें मेरे मन में कोई
दुविधा नहीं है, मगर वो विफल हो चुकी है और उसकी विफलता को बंगाल की जनता जान चुकी है, इतना ही मेरा कहना है। 2016 में ममता दीदी के राजनीतिक कद को मैं नकारना नहीं चाहता। 2016 में 10%, फिर 19 में आपका सीधे 40%, और 19 में 3% का आपका अंतर बचा था वोट शेयर में। अब ये जो 3% है, आपको लगता है ये 3 और 5-6% के हेरफेर में होगा, या इस बार बहुत बड़ा जंप लेंगे आप जैसे 19 में? देखिए, 19 में जब हम कहते थे कि हम 20 सीट जीतेंगे, तब बंगाल की जनता के मन में आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों का क्या करेगी, वोट होगा या नहीं होगा, सबके मन में थी आशंका, मेरे कार्यकर्ताओं के मन में भी थोड़ी बहुत थी। परंतु अब वो आशंका नहीं रही है, क्योंकि एक बार 18 सीट आती है तो यहां बहुमत हो ही सकता है। अब बंगाल की जनता जान चुकी है, इसलिए परिवर्तन के लिए बंगाल की जनता भी मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के साथ जुड़ी है। मोदी जी के जो एफर्मेटिव प्रयास है, इसके साथ चट्टान की तरह बंगाल की जनता खड़ी रही। मोदी जी भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आजकल जो उनका लुक है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बन रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए ऐसा ये लुक आ रहा है। देखिए, लुक को आप छोड़ दीजिए, मोदी जी ने बंगाल की चुनाव के अंदर, मोदी जी हमारा सबसे बड़ा चेहरा है देश भर में, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, और बंगाल की जिस प्रकार की परिस्थिति है, मोदी जी छोड़िए, कोई भी प्रधानमंत्री को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है, कि बंगाल की चिंता सिर्फ बंगाल की नहीं है, देश की सीमाएं बंगाल के पास हैं, कई सारे देश बंगाल को सटे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बंगाल के बंगाल से है, तो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। आप तो होम मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर रहते हुए जब यहां आप आते हैं तो आपको कुछ एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, असहाय जैसा लगता है कि अगर सब कुछ आपके हाथ में होता तो बहुत चीजें, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी बहुत चीजें बदल सकती थी। देखिए, असहायता का भाव कभी किसी भी व्यक्ति को मदद नहीं कर सकता, परिस्थिति के सामने लड़कर उसको बदलना ही इसका जवाब हो सकता है जो हम कर रहे हैं। इस बार चुनाव में ट्रायंगुलर फाइट होगा या बाइपोलर लग रहा है? ये लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी वगैरह ये तीनों गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये गठबंधन बनती है तो ये ट्रायंगुलर फाइट अगर होता है, इसका सुविधा आपको मिलेगा या तृणमूल को मिलेगा? देखिए, एक जमाना था जब एंटी ममता वोट में डिवीजन होता था, तो ज्यादा ही पार्टियां होने से ममता जी को फायदा होता था। अब एंटी बीजेपी वोट में डिवीजन होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट एनालिसिस है, तो जितने भी एंगल बढ़ेंगे हमारा विक्ट्री का मार्जिन उतना बड़ा होगा। अब हमारा जीतने का पर्याप्त वोट हमारे पास आ चुका है, एंटी बीजेपी वोट में सारा बंटवारा होना है जो होना है। लेकिन जो लोग तृणमूल से परेशान होंगे, जब आपके यहां भी उन्हीं चेहरों को इम्पोर्ट होते हुए देखेंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, देश के कई राज्यों में सब पार्टी से अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, उसके बाद में अच्छी सरकारें चलाकर हमने बताया है, चाहे असम हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कई जगह पे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हाजमा बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलाती। क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है इस समय राष्ट्रीय राजनीति में? देखिए, मैं इस प्रकार के जवाबों को सीधे जवाब नहीं देना चाहता हूं, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी के स्पर्धा में नजदीक में भी कोई नहीं है। लेकिन दूर दूर में भी नहीं, बहुत सारे हैं, दिल्ली से लेकर समंदर तक। और एक बार अगर ममता हारी तो आपको लगता है कि देश में जो विपक्ष के खेमे में जो माहौल है उसमें भी परिवर्तन आएगा? मतलब परिवर्तन दो जगह है। देखिए, माहौल तो आइवरी टावर में अगर किसी को जीना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश भर में जितने चुनाव हुए सबके सब भारतीय जनता पार्टी जीत रही, माहौल किस चीज का है? कोई एक नेता विपक्ष का नहीं है, इसका माहौल है क्या? सरकारें उनकी कम होती जा रही है, इसका माहौल है क्या? जनता लगातार मोदी जी को स्वीकृति दे रही है, इसका माहौल किस चीज का है? अगर आइवरी टावर में किसी ने जीना ही है तो कौन रोक सकता है भाई उसको? तो इस बार चुनाव में
माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी ऐसे चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की राजनीति में नहीं मानती है। हम संविधान के हिसाब से जाते हैं, वहां नागरिक एक इकाई होती है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई इकाई नहीं होती है, सिटीजन इकाई होता है। लेकिन 30% यहाँ मुस्लिम वोट है, तो आप करते रहिए 30% 40%, हमारे लिए 100% बंगाली है जी। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप तब भी लगेगा? जरूर लगता है, और ये इंदिरा जी के समय से लगाते हैं, अभी कुछ साल तक लगेगा, उसके बाद में नहीं लगेगा। यहाँ का मीडिया भी, अंजन भी और मैं भी, हम दोनों ही अमित जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने खास तौर पर बहुत समय लगाया पश्चिम बंगाल में, और आपका मेरे ख्याल से छठा दौरा होगा ये। नहीं, मैं तो 2017 से लगातार आ रहा हूँ। नहीं, अगर हम 2020 से नवंबर से अगर हम देखें तो पांचवा या छठा दौरा आपका? जी जी जी, बहुत समय आपने लगाया। छठा दौरा है और 14वां दिन है। तो ये कोई खास, ये मिशन आपको जरूरत से ज्यादा खास आपको प्रिय है कि ममता बनर्जी को इस बार हटाना ही है? ममता बनर्जी को हटाने का हमारा एजेंडा ही नहीं है, बंगाल के अंदर सुशासन प्रस्थापित करना हमारा एजेंडा है, और एक सरहदी राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, और मोदी जी की विकास की ट्रेन जो चल पड़ी है इसमें जुड़ता भी नहीं है। हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड देना चाहते, वो नहीं लेना चाहती, वो न लेना है तो न ले, बंगाल की गरीब जनता को क्यों रोक रहे हो भाई? 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप क्यों बंगाल के गरीब को इसका फायदा नहीं उठाने देते? हम फार्म की सहायता भेजते हैं, ये सारी उनका कैडर पैसा खा जाती है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करनी पड़ती है कि इसकी सीएजे एक स्पेशल टीम बनाकर जांच करें। हम किसान के लिए 6,000 रुपया भेज रहे हैं, नीचे तक पहुंच नहीं रहा है, मछुआरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। 115 योजनाएं है केंद्र सरकार की सारी योजना के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा तृणमूल कांग्रेस सरकार। आप तो जब कोविड का समय था, हालांकि अब भी है, तब आप पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आप सारे मुख्यमंत्रियों से मिलते थे, उस समय ममता बनर्जी ने आपको कितना सपोर्ट किया कोविड के टाइम? देखिए, मैं ये सारी चीजें इसलिए कहना नहीं चाहता कि सारे मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी के समर्थन में और मोदी जी के साथ रहकर अपने अपने राज्यों की लीडरशिप देकर कोविड की लड़ाई इन टोटो भारत बहुत अच्छे तरीके से। आपने कहा पिछले, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं, आपने कहा पिछले 5 साल में केंद्र सरकार 3,59,00,000 करोड़ रुपया दिए हैं राज्य को, और ये इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए? नहीं नहीं, इस्तेमाल कर दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए, आप शायद हिंदी मेरी समझे नहीं है, हमने तो भेज दिया। इन्होंने भ्रष्टाचार कर कर घर में ले जाने का काम किया, इसका इस्तेमाल जनता के लिए नहीं हुआ है। उसी की आप जांच कराएंगे? नहीं नहीं, जहां तो करप्शन जहां जहां है, बंगाल के ऊन फंड का भी करप्शन है, तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए, सेंटर फंड छोड़ो। आखिरी सवाल हम करते हैं अमित जी से, और हमेशा ज्यादातर हमारा चुनाव से पहले यही सवाल रहता है कि आपसे आपका एस्टिमेट पूछें, बीजेपी का भी पूछें, लेकिन आज हम आपसे टीएमसी का भी पूछना चाहते हैं। देखिए, अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट कितना मजबूत होते हैं इस पर टीएमसी का भविष्य निर्भर है। पर कम्युनिस्ट बचे हैं अभी यहां आपके हिसाब से? कांग्रेस और कम्युनिस्ट का कॉम्बिनेशन हुआ है, फुरफुरा शरीफ वाले भी शायद जुड़ रहे हैं, तो अब्बास सिद्दीकी भी जुड़ रहे हैं, तो कह नहीं सकते कौन नंबर टू होगा। मतलब आपका सोच है कि तृणमूल कांग्रेस नंबर 3 हो सकती है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, कह नहीं सकते क्या होगा, मगर 2 नंबर के लिए नदी की लड़ाई होगी। आपकी कितनी सीटें आ जाएंगी तो यू विल बी अ वेरी सेटिस्फाइड मैन? 200 से ज्यादा आएगी। 200, लेकिन आपको लगता है? हाँ, 200 से ज्यादा सीट आएगी तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जाएगा। बावजूद इसके कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आपके पास ब्लॉक लेवल पर और गांव में और मोहल्ला लेवल पर अभी कार्यकर्ता नहीं है। ममता जी चुपचाप एक बार ओपन जीप में बैठकर हर जगह से जय श्री राम सुनने को मिलेगा उनको, बस वो उतर कर उनको मारने दौड़ इतना ही दिखना है। कई बार हमें लगता है आप उनको इरिटेट करने के लिए और ज्यादा जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। देखिए सुधीर जी, कोई नारे को कोई नेता नहीं लगा सकता। अब अंग्रेज वंदे मातरम से चिढ़ते थे, ये जय श्री राम से चिढ़ रही है, मैं क्या कर सकता हूं। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज, हालांकि समय कम था और आपको भी निकलना है तो हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर कभी आपके कार्यक्रम में भी आएंगे जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
तो इंटरव्यू तो यहाँ समाप्त हो गया। अमित शाह बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि 200 से ज़्यादा सीटें तो वो जीत ही लेंगे। अब इंतज़ार रहेगा चुनाव के नतीजों का, और फिर उस दिन उनसे हम पूछेंगे कि उनका अंदाजा कितना सही था कितना गलत था। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.